नमस्कार। जून 22 सुधा सारा रथ निर्माण काम आज एमती निर्देश देते हाइकोर्ट। एक जनस्वार्थ मामलार शुणाणी करी हाइकोर्ट जून 22 सुधा पुरी रे विश्व प्रसिद्ध रथजात्रा रथ निर्माण काम शेष करने को निर्देश देते। कोरोना परिस्थिति दृष्टि रथ हेबना ना एने होता बहु वितर्क। श्रीमंदिर परिचालना कमिटी गजपति और शंकराचार्य आलोचना पर भी हो पार निष्पत्ति। अक्षय तृतीय और रथ कम अनुकूल नीति मंदिर भितर संपन्न होता। यापर रथ कम बंद करने को निर्देश देते हाइकोर्ट। तेज हाइकोर्ट निर्देश पर स्थगितादेश जारी करते सुप्रीमकोर्ट। सुप्रीमकोर्ट निर्देश पर कड़ा कटक और सामाजिक दूरता रक्षा कर चली रथ कम। जून 23 तारीख में रथजात्रा पड़ता बेले एथर रथजात्रा हो कि ना से नहीं चूड़ांत निष्पत्ति होना। एमती समय जून 22 सुधा रथ कम शेष करने को निर्देश देते हाइकोर्ट। ए संपर्क में आम अधिक प्रतिक्रिया ना आम सहित फोनलाइन जोड़ी होती भोई सरदार रवि भोई। रबाबू आपको स्वागत। जो भाई भाव में आज मान्यवर हाइकोर्ट निर्देश देते 22 तारीख सुधा जून 22 सुधा रथ निर्माण कम सर आपको कौन लगुच रथ निर्माण कम जून 22 सुधा शेष हो पार। जय जगन्नाथ। महाप्रभु चाहिए सब जिन असंभव जिन संभव हो पार एवं महाप्रभु जात्रा सुरखुरी हम ये आशा विश्वास आम रथर संपूर्ण सेवक मैंने आम आशा कर रही ये कार्य सुरखुरी सर आम मन में आशा एवं महाप्रभु अनेक विश्वास आम रही। वर्तमान जो भाई भाव में चली निर्माण कम रथ निर्माण कम एवं समस्ते क्वारंटाइन रही वर्तमान रथ निर्माण कर दुईट सिफ्ट चली तो आप लगुच किसी जी लोक आम से लोक नहीं कार्य करूँ कार्य भी ठीक चली। आज आम सिंगड़ावाड़िया अनुकूल होता बर्तमान तीन टा सिंगड़ा बाड़ी आम जोगे दीचु महाराणा सेवक को आरु तीन टा भी सिंगड़ा आम भी बाड़ी आम महाराणा सेवक मानक जोगे दबू कहीं जोटा कि पर्याय पर्याय आम जमी जो कार्य चलिया कथा ठीक बर्तमान सुधा सब कार्य चली यथासंभव महाप्रभु को ठीक समय भितर कार्य सर आम आशा रखी। तो 22 तारीख सुधा रथ निर्माण है कि छिड़ा हो सारी ए भरोसा आप दौर। हाँ 22 तारीख सुधा महाप्रभु विश्व नियंता जेहेतु महाप्रभु विश्व नियंता ठाकुर केवे भी कौन कार्य ठीक समय भितर महाप्रभु कार्य महाप्रभु ही संपादन करती कार्य ठीक समय भितर सर आमर ये विश्वास अच्छी। आम देखा जी विगत वर्ष गुड़िक ठीक यही समय बेलू रथ निर्माण कम के सर कथा एवं से अनुसार बर्तमान सरी कि हाँ बर्तमान काम बहुत ही आगे अच्छी जोटा कि आम गोटे दिन में तीन टा सिंगड़ा बाड़ू आम इन गोटे दिन में छा सिंगड़ा बाड़ी आम महाराणा सेवक मानक आम जोगाऊ। बहुत बहुत धन्यवाद रबाबू आपणकर प्रतिक्रिया रवि भोई भोई सरदार तांकर प्रतिक्रिया रखुले कहवा कथा जे 22 तारीख भितर जो डेडलाइन दि जाए हाइकोर्ट तरफ एवं से डेडलाइन भितर निश्चित रथ निर्माण काम सर ए कौन समस्या हम ना आउ वर्तमान सुधा मध्य रथ निर्माण काम ठीक निर्धारित समय अनुसार चली निर्धारित बेगरे चली तेणु रथ निर्माण में कौन बाधा उपजीव ना बोली से कहते भोई सरदार रवि भोई। रथ खड़ा जोरसोर चली रथ कम आज तीन रथर चक तुम्बरे अर संजोग जनता गाड़े कर बोई सेवक मैंने अर संजोग सिंगड़ा बाड़िया करपटे दुई दिन भितर छटी चक कार्य सारी भौरी दिन तीन रथर चक अख संजोग व्यवस्था करपटे जून 22 सुधा रथ कम सर हाइकोर्ट निर्देश देता बेले रथ खड़ा त्वरित भाव में आगे चली रथ निर्माण कम चली। महाप्रभुंकर रथ निर्माण कार्य जदि कह तेब सबुठ गुरुत्वपूर्ण काम होला तुम्भरे अर बिंध सरियापर जदि कह अर को बाड़िया जाए से हूँ सिंगड़ा बाड़िया और देखुवे यही जो सिंगड़ा बाड़िया पर्व भोई सरदार निजे अनुकूल करती जनता गाड़ ये जनता गाड़े तुम्ब सांगे जदि कह षोल जोड़ा बिंध होता बिंध सहित जो अर संजोग षोलटी अर संजोग जो पिटुणा रही पिटुणा पिटा जाए पिटिकी ताकु साइज करा जाए आज्ञा जदि कह सिंगड़ा बाड़िया पर्वटा केमती आरंभ हुए। आप जय जगन्नाथ। महाप्रभुंकर सिंगड़ा गाड़िया प्रक्रिया बर्तमान आम गोटे जनता गाड़ी आम से कार्य अनुकूल कार्य भी आम आज संपादन हो सारी तीन गोटी सिंगड़ा आज अनुकूल कर सारी आज निजे मु भोई सरदार संपादन कर सारी जमी पर्याय पर्याय आम जो कार्य चलिया कथा ठीक से जमी पर्याय पर्याय आम कर कौन कह भौणी दिन तीन रथर अखचक संजोग विधि केमती लगुच के प्रस्तुत हो सारे
ये वर्तमान तो आज आम सिंगड़ा बाड़िया प्रस्तुति आरंभ होमें पुणी भी सिंगड़ा बाड़िया चलो आपर जमीक पर्याय पर्याय आम ठीक महाप्रभुकर विश्वनियंता कार्य सी निजे ही करूँ कार्य ठीक समय भितर सी छाड़े जो सामाजिक दूर रखी कम कर जय जगन्नाथ मो ना कार्तिक भाई ये जो कार्य आम जनता बाड़िया कार्य आम सिंगड़ा बाड़िया कार्य आज आरंभ हो ये आमर जंतागड़ नृसिंह चतुर्दश दिन खोला कथा छः तारिख दिन तेणु से टे असुविधा सत्वे कम न होगा सत्वे आमर आठ तारिख दिन खोला से कालठू प्रस्तुत कराई आज सिंगड़ा बाड़िया कार्य अनुकूल कराई तीन रथ तीन टा सिंगड़ा बाड़िया तीन टा चका निर्माण कराई महाणा को दिजिव सीता भितर तर अन्न्य कार्यक्रम सीतांर जहाँ थी सी करेंगे से सब गुड़ा के मानिक कर एगुड़ा सरकार जो गाइडलाइन अच्छी से गाइडलाइन अनुसार आम कार्य करमक प्रशासक तरफ मास्क मिली आम दूरता रक्षा करम कार्य आम कर चलीचु आपने रही संगरोध हाँ आमको रखाई आमर किसी असुविधा प्रशासक करना आम सब सुविधा कराई तीन रथर तीनो चक को बर्तमान सिंगड़ा बाड़िया एवं यही पर्व यह चलो छोटी चक संपूर्ण भाव सर यही भौणी दिन अखचक संजोग विधि अच्छी तो निहाती भाव समस्त भगवान को इच्छा रखते कि महाप्रभु कम सुरखुरी करवसायी मैंने मानुना लॉकडाउन गाइडलाइन तेणु भुवनेश्वर बापूजी नगर को सिल कर भुवनेश्वर महानगर निगम कर्तृपक्ष दिनक बापूजी नगर मार्केट को सिल कर जरूरी दुकान को छाड़ी अन्य समस्त दुकान बंद कर दी जाए एसओपी न मानिले मार्केट को संपूर्ण सिल कर अतिरिक्त कमिश्नर अवनीकांत पटनायक संपर्क में अधिक अपडेट आम सहित तो जोड़ी होती बापूजी नगर आम प्रतिनिधि सुमंत सुंदर राय सुमंत जो भाव में बापूजी नगर मार्केट को शेष में सिल करने को पड़ा बीएमसी को प्रकृत में कौन से चली नियम खिलाफ जो कि पदक्षेप नेला बीएमसी वर्तमान से देखुं स्थित राज्य विपर्य परिचालन आईन कथा किंबा सहरांचल पुलिस आईन कथा सहरांचल पुलिस आईन को कड़ाकड़ी करने बीएमसी बीडीए पुलिस प्रशासन पूरा दिन तमाम राति तमाम उद्यम करुले कि ठीक तीन दिन तले एठाक आसी निजे भुवनेश्वर डीसीपी आसते ट्राफिक डीसीपी आसते डीसीपी सिक्यूरीटी एडीसीपी एवं दुईज एसीपी आसते आसते जो मैंने स्क्वाड जो रही एनफोर्समेंट स्क्वाड अधिकारी आसते लोक आवर करते मैक जो प्रचार करते लोक मैंने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करूँ एवं जो मैंने आसार को से मास्क पिंधतु तेणु एटी जितेबाला पखापाखि तीन घंटा ये आवारनेस करापे से आवारनेस पूरा फिका पड़ा कारण गत काली जो सन्ध्याल गहली है ये खबर पहुँचला पुलिस प्रशासन पाखे बीएमसी पाखे आम देखू बापूजी नगर भिजुआल जितेबाला सिल कर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रही ताकु जो मैंने मानुना से कटकणा को पूरा बलवत्तर करने बीएमसी ए दिनिका निष्पत्ति देखुव अनेक दुकान को सिल कर दि जाए कारण जिते बड़े जो जरूरी कालीन सेवाई जो तेल लुण डाली कथा पड़ी जो राशन सामग्री कथा पड़ी जो काँ भाँ दुकान रही से सब खोला रही कि बाकी सब जो टेक्नोलोजी जिनस गुड़ाक रही बाकी अन्न जो सामग्री रही से सबूक दुकान सब सिल कर कारण लोक मैंने कहीं मानले ना लोक मैंने कटकणा को बाटगणा कले जहाँफल यह समस्या सृष्टि यही परिप्रेक्षी में आम कह कि बापूजी नगर को सिल कर बीएमसी बीडीओ आज टीम आसते पुलिस प्रशासन आसते निजे देखिले जे लोक मैंने कहीं मानुना ना व्यवसायी ना ग्राहक तेनाली संपूर्ण भाव में सहरांचल पुलिस आईन को संपूर्ण भाव में बेखातिर कर सबूक आवारनेस फिका पड़ी कारण ये पुलिस उद्यम कर फेल मारूँ कारण जिते बड़े आज से बीएमसी भाई कठोर होती आज्ञा कौन कहे जिते बड़े आपठी रोते बापूजी नगर बासीदा पुलिस बर्तमान सिल करेक्षी में कौन रही कौन कहे आप मुझे गोटे जिनस कहना चाहूँ फर्स्ट मो ना है हरीश मुझे कहूँ कि सोशल डिस्टेंस सबुठ बड़ इना जिनस जोटा कि लोक मेन्टेन करूना दुकानवाला कहीं करना कहीं प्रोब्लेम कौन हो आवारनेस कर घर बसिले सर क्या तो बुलाक मानने मैंने से मैंने जापार नहीं कि टाइमटा बाहर बुलाटा बहुत खतरनाक कि छोट पिला सहित बुलला कि जहाँ कला कोविड 19 एत बड़ केस है पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड एत बड़ है डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लगी पछपटे मैंने कौन कह मैंने दुकानवाला सोशल डिस्टेंस जब ठीक कला मैंने पब्लिक करूना गोटे मोबाइल किनवाई आसे ना तो मुझे ये छोटे एक्जामपल दूसरी गोटे जड़े मोबाइल मुझे काली ठिया होती ये मुझ जस्ट खाली एत देखी कि जड़े गोटे मोबाइल किणापी आसला सी गोटे जड़े मोबाइल किणवे फैमिली को धरिकी आस
କୋଉ ମୋବାଇଲ ନବା ସେମାନେ ସର୍କସ ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ସେ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଠିଆ କରିବେ ଜଣେ ମୋବାଇଲ ନବା ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଅଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ପ୍ରତାପରଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆସାହି ମୁଁ ହେଉଛି କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିଛୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିଛୁ ଘରେ ରହୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଦିନ ସାତଟାରୁ ରାତି ସାତଟା ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେବ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦୋକାନ କଟକଣା କରୁଛୁ ପୋଲିସ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଅମାନିଆକୁ ସିନା ଶାସନ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିରୀହ ଲୋକ ଆସିଛୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମିଳୁନି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାପୁଜୀ ନଗର ବନ୍ଦ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଖୋଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ସବୁ ଦୋକାନ ପାଇଁ ନିୟମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆମେ ସବୁ ବନ୍ଦ ଏଇନେ ଫେରିକି ଯିବୁ ଫେରେ ଘରକୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସରକାର କହିଲେ ଚାଇନା କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଛି ରୋଗ ହେଲା ଏଇଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓରକୁ ଯିଏ ନ ମାନିବ ବା ଯଦି ବାପୁଜୀ ନଗର ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଟକଣାକୁ ମାନିବା ଉଚିତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ BMCIର ଆଡ଼ିସନାଲ କମିଶନର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ନିୟମକୁ କେହି ନ ମାନିବେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇନ ଯେଉଁ ରହିଛି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନିୟମ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଯଦି ନ ମାନିବେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଲ୍ କରାଯିବ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାପୁଜୀନଗରରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ ଯେ ସେଠି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁକି ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଏବଂ BMC ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ବାପୁଜୀନଗର ମାର୍କେଟକୁ ଏବଂ ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଥିରେ ଖିଲାପ କରିବା ଜାରି ରହେ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯିବ ଏ ମାର୍କେଟକୁ ବାପୁଜୀନଗର ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କେଟ ଆଜି ରାତି 8ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ରାତି 8ଟାରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବୋଧନରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଉପରେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହଟିବ ନା ଘୋଷଣା ହେବ ଲକ୍ଡାଉନ୍ 4 ତା ଉପରେ ରହିଛି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ 3 ଘୋଷଣା ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ଇସ୍ତାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରୁ ଏପ୍ରିଲ 14 ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ମେ 3 ପୁଣି ମେ 4ରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍ 3 ଏବେ କ'ଣ ହେବ ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ସରୁଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ 3 ପୁଣି କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି କରୋନା ମୁକାବିଲା ସ୍ଥିତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହଟାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 5ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦେଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ଉପରେ କହିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରୋନା ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଯାତ୍ରାରେ କୋହଳ ନେଇ ଘୋଷଣା ଓ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତା ବାବଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ପ୍ରଥମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 19ରେ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ବାବଦରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 24ରେ ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଦେଶକୁ 21 ଦିନ ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାପରେ ଏପ୍ରିଲ 3ରେ ଦୀପ ଜଳାଇବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ପୁଣି ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଡାଉନ୍ 2ର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 22 ମାର୍ଚ୍ଚ ରବିବାର सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। अगर ये 21 दिन
नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। आज देशे गड़ब पैसेंजर ट्रेन राजधानी दिल्ली सह प्रमुख सहर को जोड़ 15 जोड़ा स्पेशल ट्रेन तेज आसंता भुवनेश्वर रु दिल्ली अभिमुखे छाड़ ट्रेन से दिल्ली गोटे ट्रेन गुरुवार भुवनेश्वर अभिमुखे आसार ट्रेन केवल कटक भद्रक बालेश्वर में दिल्ली भुवनेश्वर दिल्ली दिब्रुगढ़ अगरताला हावड़ा पटना दिल्ली बिलासपुर रांची और सिकंदराबाद को गड़ब ट्रेन दिल्ली बेंगलुरु चेन्नई त्रिवेन्द्रम मड़गांव सहित मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद और जम्मूताई को मध्य ट्रेन चलो केवल प्रवासी के ट्रेन चलाचल करवल ऑनलाइन रे टिकेट बुक करें यात्री यात्री मानक यात्रा समय 90 मिनिट पूर्व स्टेशन जो मान कोरोना लक्षण नवल से ही यात्रा करें केवल कन्फर्म टिकेट थी यात्री ही यात्रा करें ट्रेन भितर देयजुक्त सीमित खाद्य पदार्थ मिल यात्री को रेलवाई पक्षर कौन कंबल किंवा बिछना दिजावनी एसबू बाबद टिकेट बुकिंग समय सूचना दी जाएगी। भुवनेश्वर जावासवा ट्रेन गुड़िक अतिरिक्त 5 बगी लगे यात्री भिड़ को लक्ष्य रखी यह निष्पत्ति इस वक्त में मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूँ और यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर आज जो कई जो विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं उसके लेकर यहाँ साफ सफाई जो है वो देखा जा सकता है और यहाँ पे साफ सफाई के साथ साथ जो सैनिटाइज जो है वो पूरे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजर जो है बकायदा सैनिटाइजर के साथ साथ जो तमाम जो साफ सफाई का जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखा जा सकता है। रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ प्रयासरत हैं कि वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पूरे इस इलाके को पूरा सैनिटाइज किया जा सके, क्योंकि जब आज दोपहर में जब ट्रेनें यहाँ से चलने शुरू होंगी, खासकर जो डिब्रूगढ़ और बेंगलुरु और कई जो अन्य दूसरे इलाकों के लिए जो ट्रेनें यहाँ से चलेंगी मध्य प्रदेश के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर जो भी यात्री आए कोई भी यहाँ से संक्रमित ना हो सके, इसलिए जितने भी लोहे के ग्रिल है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो यहाँ तक कि जो जो पैदल चलने का जो रास्ता होगा उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। तो आरपीएफ के साथ साथ यहाँ पर रेलवे मंत्रालय से जुड़े तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर कोशिश में जुटे हुए हैं कि यहाँ पर तमाम निर्देश जिस तरह से दिए गए हैं यहाँ पर साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए और जो भी लोग आएंगे इसके बकायदा उसके लिए पहले से उसके मैसेज आ रहे हैं। मैसेज पे जो यात्री जो सफर करने वाले हैं उसके मैसेज में भी बकायदा इस बात का जिक्र है कि किस गेट से घुसना है, उसके बाद कौन सी सीट होगी, इन तमाम चीजों का विस्तार से जानकारी उसके मोबाइल पर भी यात्रियों को भेजा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों चलो बस आसंता काल ठारु कटक भुवनेश्वर मध्य गोटे बस चलो केवल सरकारी कर्मचारी जावासवा करेंगे ऑफिस टाइम रे बस चलो भड़ा रहा 30 टंका तेज राज्य में बस चलाचल नहीं दिने दुई दिन मध्य निष्पत्ति भड़ा को दुई गुणा करने को व्यवस्था होती परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा। प्रायतः निष्पत्ति हो जो गाड़ी गुड़ा जो थिला धरंतु 50% गाड़ी रे से माने जो क्षति गुड़ा भरण करिया पाई गाड़ी चार्ज जति थिला चार्ज बढ़िवो चार्ज दिगुणित तो होबो माने भोडाटा चल भोडा भोडा दिगुणित तो हेले सांगो 50% जो पैसेंजर जे ता 50% से मेकअप हो जाय पारिवो जो मान कर निहाती जीवा कोट को आवश्यकता थिबो से ठीक अधिका नाम देले मतलब ताकु बाधिवो नै जिबे एवं इमान कर मतलब जो क्षति कथा जो कुछ सेरा मतलब होबो नै
ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକକୁ ଏ ଯୋଉ ଚାକିରିଆ ଭାଇମାନେ ଯୋଉ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବସ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଆମ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ବସ୍ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି, ସେଥିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। मैट्रिक खाता देखा रे के आसंता 20 तारीख रो मैट्रिक खाता देखा आरंभ नहीं योजना करछि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने गदखाली बोर्ड पक्षरो पूरा व्यवस्था बाबद रे सूचना दिया जायथला, किंतु आज बोर्ड रो खाता देखा व्यवस्था नहीं प्रश्न उठाइछि शिक्षक संघ। कोरोना समय खाता देखा पाई आवश्यक व्यवस्था करा जाय नथिबा अभियोग करी खाता देखिबा कु संघ पक्षरो मना कर दिया जायछि। ओस्टा सभापति प्रकाश चंद्र महांती कहिबा अनुसार 60 टी परीक्षा केन्द्र रे खाता देखा व्यवस्था करा जायछि, किंतु एतिके केन्द्र जथेष्ट नुहे। खाता देखिबा पाई अधिक परीक्षा केन्द्र करबाकु संघ दाबी करिछि। दुईटी ब्लॉक को मिसाई गोटी परीक्षा केन्द्र करा जाउ, जहाँ फल ठीक भाव में सामाजिक दूरता नियम पालन हो पारिब। केन्द्र भली राज्य रे भी घरे खाता देखिबा कु अनुमति देबाकु दाबी करिछि शिक्षक संघ। एथर खाता देखारे अधिक संख्या रे शिक्षकंकु नियोजित करा जिवो। पूर्व वर्ष अपेक्षा एथर 6000 अधिक शिक्षक खाता देखिबे बोली बोर्ड को कहिथिला। बोर्ड कहिथिला किंतु शिक्षकंक सुरक्षा और निर्धारित समय मधरे खाता देखिबा सरिबा नै मध्ये प्रश्न उठाइछि शिक्षक संघ। 20 दिन भितर मूल्यायन सरिब बोली बोर्ड आशा रखिछि, किंतु एतिके समय मधरे प्रक्रिया सरिबा नै आशंका प्रकाश करिछि ओस्टा। आमे सरकार को किछि दिन धरिकरी खाता देखा किभली भाव में सुरखुर हम से संपर्क में अनेक प्रस्ताव देचु, बोर्ड को मध्य देचु, किंतु आमर दुख हूँ जे राज्य में गोटे जमी अदूरदर्शिता अपरिणामदर्शितार फल भोग पड़ू जे किसी कौन कथा को विचार न करी बोर्ड तार मन मानी गत काली प्रेस कन्फरेन्स करी तार न्यूज देची जे जो 17000 शिक्षक को अपॉइंटमेंट करते आउ 6000 बढ़ई। आमर प्रस्ताव थिला तुम्हें 60टा जो परीक्षा खाद्य केन्द्र करको तुम्हें बढ़ाओ एवं प्रति दुईटी ब्लॉक गोटे लेखा कर 100 अंत 100 रु किसी अधिक सेंटर कर एवं ता सरकार तो ग्रहण कले ना। द्वितीय कथा हूँ किए से देख केमती देख आप देखिए 40% लोकों पाखे मोटरसाइकिल ना, 30% होती महिला जो मैंने कि 100-150-200 किलोमीटर दूर आसिक खाता देखिए कौन से जगार सब तक 60 सेंटर जिला हेडक्वार्टर कर जिला हेडक्वार्टर में कौन सी लज कम करूना कौन सी होटेल कम करूना होटेल बंद अच्छी। गोटे खाता देखा यूनिट रे गोटे सब्जेक्टर गोटे रूम रे अंत पक्षे 25 जन बसती जदि सरकार यही समय रे से व्यवस्थाटे पुणी ताकू करती अधिका शिक्षक बढ़े यह निश्चित भाव में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी हबो ना। द्वितीय कथा हूँ समस्त शिक्षक माने राज्यर समस्त शिक्षक माने 50 दिन धरिकी COVID-19 ड्यूटी करुछंती। निजे शंकर कुमार सुबुद्धि मो ना आपण मैंने देखिए मु नोडल अफिसर सत्यवादी ब्लॉक में अपॉइंटमेंट होती डेढ़ मास धरिकी लोक मानकर डोर स्टेप फूड कूपन एवं पिला मानक जो आम खाद्य सुरक्षा आईन में जो पिला मानक मध्यान भोजन दिहला देलु बहीपत्र बांटिलु गाँ गाँ बुलिकी लोक मानक टंका बांटिलु तापर वर्तमान स्कूल को पठे दी औषध टैबलेट बांटुचु बही बांटा समस्त कथा कर सारापर शिक्षक माने एपटे कोरोना ड्यूटी करेंगे ना सेपटे खाता देखा ड्यूटी करेंगे। समय बुलेटिन बर्तमान खबर को नमस्कार।